गाइस वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाव भाजी कैसे बनती है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और हम इसमें बटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल नहीं डिलीशियस बटर यूज़ किया है, इसका फ्लेवर भाजी में बहुत अच्छा आता है। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा मैंने तकरीबन एक छोटा चम्मच लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने तकरीबन एक प्याज लिया था। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे जो मैंने चॉप करके रखी है। हरी मिर्च मैंने 5 से 7 ली हुई है, मैंने ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि अभी हमारे इसमें मसाले भी पड़ने बाकी हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा प्याज जो है जल्दी से फटाफट से भून जाए। हमने प्याज ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा रखा है क्योंकि अभी हमें शिमला मिर्च भी इसमें फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली हुई है, इसे मैं चॉप कर लिया है। और इसे थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे। अब हमारा प्याज और शिमला मिर्च दोनों हो चुका है और इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने तकरीबन 2 लिए हैं, बड़े टमाटर। हमारे यहाँ अभी जोरों से झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में पाव भाजी खाने का मज़ा ही अलग है। इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे ताकि हमारा टमाटर वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाए। ऐसे मिला लेंगे, ऐसे हम अब ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टमाटर हुआ है कि नहीं। हमारा टमाटर हो चुका है। अब उसमें भाजी मसाला डालते हैं। मैंने यहाँ पाव भाजी मसाला यूज़ किया है, तकरीबन मैंने 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया है। हम इसे अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा मसाला भुनने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे कलर के लिए। मैंने यहाँ पे अजंता का फूड कलर यूज़ किया है, आपके पास कोई भी फूड कलर हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें आलू मैश आलू मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 बड़े आलू बॉईल करके छील के मैश कर लिए हैं। अच्छे से मिला लेंगे। हमारा आलू अच्छे से मैश हो गया। मैंने इसमें आलू ज़्यादा महीन नहीं किया है, इसे थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है क्योंकि बाद में इसे मैशेस से हम जब मैश करेंगे तो आलू ऑटोमेटिक महीन हो जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो थोड़ा सूखा लग रहा है थोड़ा ग्रेवी हो जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अगर आपको इसे ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा रख सकते हैं, इसे ज़्यादा पतला रखना है तो पतला।
मसाला रख सकते हैं। ये हमारा ग्रेवी रेडी हो गया, अब उसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे जो हमारे आलू खड़े खड़े हैं। तो हमारा भाजी मैश हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें। तो हम इसमें मसाला डाल देंगे, हमने यहाँ पे गरम मसाला भी इसमें ऐड किया है। इसे हम पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि बाद में डालने पर इसका स्वाद और खिल के आता है। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, मैंने यहाँ तकरीबन आधी चम्मच अमचूर पाउडर यूज़ किया है। इसे मिला देंगे अच्छे से और इसमें नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, मैं यहाँ ज़्यादा नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्याज और टमाटर पकाते हुए भी थोड़ा थोड़ा नमक यूज़ किया था। इसे मिला देंगे अच्छे से, अब हम इसको एक बॉल आने तक छोड़ देंगे और इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के इसे ढक देंगे। इसे जब हम सर्व करेंगे तो भी ऊपर से मक्खन थोड़ा सा ऐड ज़रूर करेंगे क्योंकि मक्खन डालने पे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए हमारा पाव विद भाजी बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे अपने व्यू ज़रूर बताइएगा कि हमारा आपको चैनल कैसा लगा। बाय।